हैदराबाद शहर के हरे रंग को कवर करने का बढ़ावा देने के लिए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम ने हैदराबाद में 100 नए पार्क विकसित करने का फैसला लिया है, जबकि अधिकारियों ने इसके लिए 30 स्थानों की पहचान भी कर ली है। अन्य सत्तर स्थानों की अभी तक पहचान नहीं की जा सकी है। जीएचएमसी के मुताबिक सभी सर्किलों में अनुमानित लागत में इन पार्कों को स्थापना करने की योजना जीएचएमसी बना रही है। यह परियोजना वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान क्रियान्वित की जाएगी। जीएचएमसी के डिजाइनर अनुसार सभी पार्क में चलने वाले पद, बागान, बेंच आवंटित होंगे। पार्क के लिए आवंटित आधार पर कुछ स्थानों पर शयनकक्ष, मनोरंजन कैमरे, अतिरिक्त सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये सुविधाएं जीएचएमसी द्वारा कॉलोनी संघों के साथ बनाए रखा जाएगा, जबकि 75% रखरखाव की लागत नागरिक निकाय द्वारा प्रदान की जाएगी। शेष 25% राशि सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि शहरी विविधता विभाग के जीएचएमसी के एक अधिकारी ने कहा, एक पार्क के निर्माण के लिए 8 से 10 लाख रुपए की लागत आती है। आकार और सुविधाओं के हिसाब से वे कभी कभी 15 लाख तक भी हो सकता है। पार्कों की अधिकतम संख्या को शहर के केंद्रीय क्षेत्र में आवंटित किया गया है। इस बेल्ट में 8 खुले भूखंड की पहचान कर ली गई है।